ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक द्रव्य के जरिए मौत का कारोबार करने वाले एक गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों में एक महिला भी शामिल है। इनके पास से पुलिस को लाखों रुपए का ब्राउन शुगर मिला है, जिन्हें मार्केट में खपाने की तैयारी थी। बोकारो पुलिस को यह खबर मिली थी कि मादक द्रव्यों के कारोबारी ग्राहकों की खोज में चास के विभिन्न इलाकों में सक्रिय हैं। इस सूचना के बाद एक विशेष टीम का गठन कर गिरोह के लोगों को पकड़ने के लिए प्रशासन ने काफी गोपनीय तरीके से प्लानिंग की। इस प्लानिंग में पुलिस को सफलता भी मिली। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर इस बात का खुलासा किया है कि यह गैंग चास बोकारो में नशे के कारोबार में संलिप्त था। पकड़े गए अपराधियों में 3 के अंतर प्रांतीय संबंध बताए जा रहे हैं। इस गिरोह के अंतर प्रांतीय संबंध से पुलिस को नशे के कारोबार में संलिप्त संगठित गिरोह के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलने की संभावना जताई गई है। फिलहाल NDPT एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 को जेल भेज दिया है। कल दिनांक 3/5/2023 को गुप्त सूचना के आधार पर गरगा नदी पुल के पास 3 व्यक्तियों को और एक महिला, कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 60 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। हाँ, चास थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे ऐसे लोग जो है वो नशीले पदार्थ का यहाँ पे बिक्री करने के लिए आने वाले हैं। इसके आरोप में वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें अंचलाधिकारी, चास थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। इन लोगों के द्वारा वहाँ छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें जिसमें से 3 लोग आरा बिहार के रहने वाले हैं और एक बालीडी कुर्मीडी का रहने वाला। न्यूज विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।